एक और इनके दामाद है क्या नगर परिषद की बैटरी और ये उमर कम्फर्ट वाली, इनके दामाद है क्या? साले हमारा ऑफिस तोड़ने के लिए कैसे आए थे 300 लोग? एक अग्रसेना का ऑफिस था, वो तोड़ने के लिए 300 लोग आए थे, अभी क्या सोए है क्या? दिखा दे इनको हम लोग क्या है वो। नहीं टूटेगा तो नगर पालिका को तोड़ेंगे, अगर कानून हाथ में नहीं लेंगे तो साले सुधरेंगे। फर्क नहीं पड़ता है, अभी 52-53 साल हो गया, 7-8 साल जिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4-5 केस और ले लूंगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है जनार्दन पाटिल उर्फ जन्या मामा, अग्रसेना के पालघर जिले के जिला अध्यक्ष। हम उनसे बातचीत करेंगे। वो वीडियो जो वायरल हुआ, उस वीडियो में जो अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल पर गंभीर आरोप लगे अनाधिकृत बांधकाम से वसूली कांड का, उस पूरे विषय पर इनका क्या कुछ कहना है, इस पर इनकी अभी तक की प्रतिक्रिया अभी आई नहीं। आज पहली बार हम उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं इस पूरे विषय पर कि इनका किस प्रकार का रोल होगा, किस प्रकार से कदम होगा जनार्दन पाटिल उर्फ जन्या मामा का। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जन्या मामा जी, बहुत दिन से शांत एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? वो वीडियो आप पूरी तरह प्रशासन के पास और शासन के पास और फिर यहाँ जनप्रतिनिधियों के पास आ चुका है, लगातार उसकी चर्चा हो रही है, क्या कहना है? देखिए, ये वीडियो जो वायरल हुआ, पर्दे के पीछे वही था, ये वीडियो मैंने ही वायरल करवाया और ये वीडियो हमने विरार नाला सोपारे के बाहर जाके किया, एक अच्छे जगह पे वीडियो वायरल किया और बहुत बड़े नेता के सामने किया। अभी उनको हम नाम नहीं बताएंगे, उनको पर्दे के पीछे रखा। मेरा कहना ये है कि आज विरार वसे नाला सोपारे में इतना बड़ा अनाधिकृत बांधकाम हो रहा है और यहाँ नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही, क्या कारण से? आपको ये मालूम है कि जब अविनाश यादव आके कमिश्नर के खिलाफ जब यहाँ हंगामा किया था तो कमिश्नर के फेवर में पहले मैंने ही बात किया था, कोई यहाँ का नेता नहीं बोला था, पहले आवाज़ मैंने उठाया था कमिश्नर के फेवर में कि यहाँ के कमिश्नर बहुत अच्छे आए हैं और यहाँ का विकास होगा। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं आज कमिश्नर के खिलाफ बोल रहा हूँ, इतना बड़ा वही कमिश्नर जिसके पक्ष में आप बोल रहे थे उनके आज खिलाफ बोल रहा हूँ। इसका कारण ये है कि आज इतना बड़ा उमर कंपाउंड में काम चालू है, इसु बैटरी का इतना जोर में काम चालू है, ये अपना वसई से लेके चिंचोड़ी तक, इसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं हुई और कहा जाता है इसमें आशीष पाटिल का नाम आ रहा है। तो हमने जो उम्मीदवार जो दिए थे शिवसेना को, सब ये काम करने के लिए नहीं दिए थे। विजय पाटिल, विलास पाटिल, मैंने विलास तरे जो आमदार विद्यमान आमदार थे बहुजन विकास आघाड़ी के, उनको मैंने शिवसेना ने उद्धव साहब के सामने जाके उनको दे दिया था, तो अच्छे काम के लिए दिया था, ये सब धंधा करने नहीं दिया। क्या आपको लगता है ये टूटना चाहिए इस तरह से? 100% टूटना चाहिए। और मैं आपको आपके पत्रकार के माध्यम से अभी मैं यहाँ वीडियो के सामने बोल रहा हूँ, आशीष पाटिल का कंप्लेंट, इनके पीछे कितना बड़ा नेता होने दो शिवसेना का, इनका कंप्लेंट मैं खुद जाके उद्धव साहब को करूँगा, क्योंकि उद्धव साहब के सामने विजय पाटिल को और विलास तरे को मैं ये धंधा करने के लिए नहीं दिए थे, अच्छे काम के लिए दिए थे कि यहाँ वसई का विकास होना चाहिए। विजय पाटिल तो चले गए ना आपके, तो ऐसे काम करके जाएंगे ना, अगर ऐसे रहेंगे तो जाएंगे, जो आए वो जाएंगे, यहाँ की जो चिंदी मिंदी जो छोटे मोटे शिवसैनिक अगर तोड़ पाने के चक्कर में रहेंगे तो ये यहाँ कोई विकास होने वाला। आप कह रहे चिंदी मिंदी शिवसैनिक? हाँ, जो अभी तोड़ पानी कर रहे हैं ना, उनको मैं वही बोलूंगा, क्योंकि उनकी वो उतनी गिनती होती है ना, जो अच्छे लोग है वो सब ये चक्कर में नहीं रहते। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ अच्छे लोग भी है, अभी आपका दिलीप पिंपले का कभी नाम आया कभी ऐसे काम में, वो नट जाता है किससे भी, वो अच्छा आदमी है तो उसके पीछे हम लोग खड़े रहते। तो ये सब अग्रसेना क्या इसी तरह के, अगर इस तरह का माहौल रहा और कार्रवाई नहीं हुई तो अग्रसेना की भूमिका क्या रहेगी? जो अविनाश यादव ने किया उससे डबल करूंगा, मैं कमिश्नर के सामने जाके हंगामा करूंगा, उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया तो। और आशीष पाटिल का अगर नाम ले रहा है वो मोहन संघ के, तो क्यों चुप बैठे? एक सहायक आयुक्त आरोप लगा रहा है, बड़ी बात है, इसका जांच होना चाहिए। अगर ये सब नहीं हुआ, क्योंकि आपने शिवसेना के आपने समर्थन दिया है, एकनाथ शिंदे जो नगर विकास मंत्री हैं, आपके अच्छे साथीदारों में थे, आपके विचारधारा में थी, साथीदारों में थे नहीं, साथीदारों में से है, उसके बाद शिंदे साहब ध्यान नहीं दे, आपको अनुरोध करना पड़ रहा है, किस बात का कार्रवाई करी हो अभी तक? कार्रवाई अभी अभी प्रोसीजर में चल रहे हैं ना भाई, विश्वास दिलाते हैं कि कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो हम कब आगे जाएंगे, ये युति आगे तक बढ़ेगी और छोड़ देंगे शिवसेना को, दूसरे पार्टी में जाएंगे, कोई हम लोग कोई किसी से बंधे हुए नहीं। अगर हमने शिवसेना में दो आमदार दिए थे, यहाँ का विकास के लिए दिए थे,
जो दो लोग दे थे ठाकुर के खिलाफ खड़ा हो गया, इतना माहौल बना, शिवसेना को आज विजय पाटिल ने 77,000 वोट लिया, कोई खाने की बात नहीं। इतने आप इतनी देर में आवाज उठाए और सभी लोग आवाज उठा लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। मेरे को ये देखने का था, ये अल्ताफ भाई से पूछो कि अल्ताफ भाई और मैं, मेरे और दो दोस्त लोग और मैं, हम लोग चार लोग गए थे, यहाँ से बाहर गए थे, बरौली गए थे, मैं नाम नहीं बताता हूँ कहाँ गए थे, और वहाँ ये वीडियो हुआ है। वहाँ अच्छा एक पत्रकार था सामना का, उसको बुलाया था हमने, और वहाँ ये वीडियो हुआ है, और हमको देखने का था, पर्दे के पीछे मैं था, पीछे कितने लोग उतरते, अगर हमारा आवाज आता तो लोग उतर, कई लोगों ने आवाज तो उठाई, अच्छी बात है ना। मैं आज अविनाश यादव के बारे में भी बोल सकता, अच्छा काम किया उसने, उस दिन उसके खिलाफ बात किया था, लेकिन आज उसके सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, जो अच्छा काम कर रहे थे उसके पीछे हम लोग रहेंगे। मतलब जितने लोग आवाज उठा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं ना। ये कौन, इनके दामाद है क्या नगर परिषद के, इशू बैटरी और ये उमर कम्फर्ट वाली, इनके दामाद है क्या? साले हमारा ऑफिस तोड़ने के लिए कैसे आए थे 300 लोग, एक अग्रसेना का ऑफिस था, वो तोड़ने के लिए 300 लोग आए थे, अभी क्या सोए है क्या? दिखा दे इनको हम लोग क्या है वो। मतलब पूरी तरह आप नहीं टूटेगा उमर कम्फर्ट, नहीं टूटेगा तो नगर पालिका को तोड़ेंगे, ये गारंटी के साथ मैं आप में बोल रहा हूँ। उमर कम्फर्ट ने टूटा तो नगर पालिका को तोड़ेंगे, और दो चार लेंगे, अगर कानून हाथ में नहीं लेंगे तो साले सुधरेंगे नहीं। लगातार ऐसे कानून हाथ में लेना मामा का नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी 52-53 साल हो गया, 7-8 साल जिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4-5 केस और ले लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को पूरा दिखाऊंगा क्या है आदमी से। ये थे जनार्दन पाटिल उर्फ जन्ने मामा, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये अपने स्टाइल में फिर समझाने के लिए आगे आएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कानून को हाथ में लेना पड़ा तो उसके लिए भी पीछे नहीं। ये यूसुफ बैटरी कौन है ये तो समय ही बताएगा, कितना अनाधिकृत बांध काम है और कितना उस पर कार्रवाई होती है। इसके अलावा उमर कंपाउंड का जो जिक्र किया है, उन सब पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई जांच के आधार पर निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक आरोप अगर अधिकारी पर लगे तो उस पर भी गंभीर सवाल उठते ही हैं। अब देखना यह होगा इन सब विषयों पर शिवसेना जो सत्ता में है वो अपनी किस प्रकार भूमिका अदा करती है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।